अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं तनवीर हसन। आज बात कर लेते हैं ज़रा मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है और इस वक्त वहां पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता जो है वो इस वक्त दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। और इसमें अगर शिद्दत आती है इस कशीदगी में तो फिर कुछ भी हो सकता है। और जो पहली जो दो बड़ी जंगें, दो आलमी जंगें हुई हैं, उसका भी अगर आप पढ़ें कहीं किताबों में तो आपको पता चलेगा कि छोटी सी बात पे इतनी बड़ी जंग जो है वो हो गई थी और उसमें भी कई हलाकतें हुई थी। लेकिन अब तो जाहिर है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और इसमें जो है जानी और माली नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हो रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनको उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने ईरान पर हमला करने का इख्तियार जो है वो दे दिया है। ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया था तो उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल में हफ्ते से ऊपर हो चुका है। और फौरी तौर पे तो बहुत बातें हुई और अमेरिका की जानिब से भी बड़े सख्त बयान दिए गए और इस तरह की फिज़ा बनाई गई कि शायद 24 या 48 घंटों में जो इसराइल है वो ईरान पर चढ़ दौड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है इसराइल की जानिब से कोई ऐसा ही जारहाना कार्रवाई नहीं की गई और उसके पीछे वजह यह है कि इसराइल को ये पता है दोस्तों कि जो ईरान है वो ना लेबनान है और ना ही वो सीरिया है और ना ही वो फलस्तीन है। क्योंकि ईरान जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो खित्ते की बड़ी फौजी ताकत है वो ईरान ही है और उसके बाद दीगर जो जमातें, दीगर जो मुल्क हैं वो आते हैं। तो इसमें यह है कि इस वजह से इसराइल जो है वो रुका हुआ है। और आपको जो बात इस वक्त बता रहा हूँ वो मेरे ख्याल में इस वक्त किसी नेशनल मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रूस जो है उसके जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, तो प्यूटन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है ईरान के साथ और ईरान की हर क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो अच्छे ही रहते हैं। तो इसमें इतलात ये हैं कि रूस की जानिब से जो दिफाई निज़ाम है जो कि मिसाइल्स को रोकता है, जो कि जिस तरह से एरन ड्रोम है इसराइल के पास, उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा एडवांस जो सिस्टम है वो रूस ने ईरान को फराहम कर दिया है। और रूस को जो ईरान जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक किसी भी मुमकिन मिज़ाइल हमले से महफूज हो चुका है और उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बूस्ट हो चुका है। और इसके अलावा इसराइल को ये भी मालूम है कि अगर वो कोई जारहाना अजायम करता है तो उन तक ये सारी इतलात हैं कि जो रूस है वो बिहाइंड द स्क्रीन वो ईरान का साथ देगा और उसको वो मतलूबा नतायज जो है वो नहीं मिल सकेंगे जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है। तो लिहाजा इस वजह से जो सूरत हाल है वो इस वक्त सिर्फ धमकियों तक ही महदूद रखी हुई है इसराइल ने। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल जो है वो अपनी खिफत मिटाने के लिए और अपनी फेस सेविंग के लिए वो हमला ज़रूर करेगा, ये नहीं हो सकता वो हमला ना करे, क्योंकि उसको अपने आप को जो थानेदारी का शौक है उसको खित्ते में तो वो करेगा। लेकिन उसका जो तोड़ है वो ईरान ने कर लिया है पहले से। और ईरान जो है ईरान की जानिब से तो ये बारहा कहा गया है कि अगर ऐसी गलती इसराइल ने की तो उसे बहुत ज़्यादा भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त लम्हा ब लम्हा जो है वो मशरक़ वुस्ता में सूरत हाल बदल रही है और बदलती जा रही है। और लेकिन जो एक चीज़ जो है वो बड़ी कांस्टेंट है और वो ये है कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों की जो है वो हर रोज़ नस्लकुशी कर रहा है, उस पर आलमी ज़मीर अभी तक सोया हुआ है और ख़ास तौर पर जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं और उनको कोई इस बात की परवाह नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त जारी है। तो नई जो डिवेलपमेंट्स होती हैं फिर उस पर नई वीडियो में बनाऊँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, कमेंट लाजमी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।